बेईमानों की ताले की चाबी जो हमें समर्पित किए थे उस महामानव को नमन करता हूं। साथियों, भारत में जितनी भी सभाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, कार्यक्रम होती है, शुरुआत डॉक्टर अम्बेडकर से, अंत भले किसी से हो लेकिन शुरुआत डॉक्टर अम्बेडकर से हो। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीपी सिंह हो, नरसिंहा राव हो, जो भी सत्ता में गए अंबेडकर जी को नमन करके। अब बात उठती है कि मोदी जी मंच पर आकर जय भीम बोलते। जेएनयू का एक छात्र, बिहार का है, बिहार का, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कन्हैया कुमार का, बोला वो गरीब परिवार का है। मैं वहां बोला कि मैं भी बिहार बेगूसराय का हूं। ओ रामचरित सिंह का पर बोलता है, ओ रामचरित सिंह जो कांग्रेस का लीडर रहा है, चंद्रशेखर सिंह का पोता है जो कांग्रेस का लीडर रहे हैं, और बेगूसराय में बहुजन समाज दलित बैकवर्डों का गुलाम बनाने का काम किए हैं इनके साजिश में नहीं। साथियों, जिग्नेश निवानी जी माननीय विधायक गुजरात बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने गए, वहां के दलितों ने उनको थप्पड़ मारा। बिहार का कोई ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को बोलने का हिम्मत नहीं किया। मैंने तमाम थप्पड़ मारने वाले लोगों को बोला, फोन करके, तुमने गलत किया। वो हमारे साथी थे, हमारे परिस्थिति को नहीं जानते थे, हमारे यहाँ आ गए, उनको बैठा के समझाना चाहिए था कि जिस आजादी की लड़ाई बेगूसराय लड़ी है उस आजादी को हासिल किया है, बोलने लड़ने का अधिकार प्राप्त किया है, उसको पुनः गुलाम बनाने तुम मेरे साथ ही आए हो, तुम वापस चले जाओ, मारने की जरूरत नहीं। तो हम लोग झांसे में आ जाते हैं। जो हमारी दो बातें कर देता है, आज भी हमारे संगठन में बहुत सारे लोग आएंगे, जय हिंद बोलेंगे, नमो बुद्धाय बोलेंगे, हम लोग गुमराह हो जाते हैं और हमारे संगठन को तोड़ने का काम किया। मैं बिहार में इलेक्शन लड़ा रहा था अपने उम्मीदवारों, उसके पहले भी, चाहे बीजेपी में मंत्री हो, चाहे राजद में मंत्री हो, बहुत सारे हमारे मित्र, मैं बैठता हूं, बीजेपी के एक मंत्री हैं प्रेम कुमार, मेरा पर्सनल रिलेशन है, मैं तेजस्वी जी के पास खबर भेजा कि देखो बिहार में माहौल एंटी बीजेपी है और तुम जीत नहीं सकते, मुझसे बात करो क्या हो रही है। मैं बहुजन समाज का एक सिपाही हूं, लेकिन मुझे जो है भूमिहार प्रबंधन एक ग्रुप बना हुआ है, वो जानता है कि बेगूसराय का है, कड़क बोलता है, भूमिहारी गांव पे चला था, वो भी जोड़ कर रखा। हमारे साथी खुद ललिता जी ने मुझसे उठाया प्रश्न कि सर आप भूमिहार के इतने विरोधी हैं, लेकिन वो मीटिंग करता है, आप उसकी मीटिंग में बुलाता है, आप चले जाते हैं। हम बोले ललिता जी आप नहीं जानते, मुझे अगर बुलाता है मैं वहां ना जाऊं, उसके मंच को उसके अनुकूल बात ना करूं, तो उसकी साजिश क्या है वो मुझे जानकारी नहीं मिलेगी, मैं उसकी कार्ड तैयार नहीं कर पाऊंगा, आपको ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, अपने कैडरों को उसके अनुकूल नहीं बना पाऊंगा। तो साथियों, बहुत सारे वक्ता आए बोले कि बहुत लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मैं किसी के आंदोलन में नहीं गया, बामन मेश्राम की तरफ से मुझे आमंत्रण आया, मैं बोला तुम्हारे ऊपर नहीं। भाई भानु प्रताप ने बोला कि उन्होंने मुझे आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन जब मैं देखा तो इनके नेतृत्व में क्यों आया, मुझे विश्वास है क्यों। भाई बामन
लेकिन पीक आवर में अपनी आंखों को वापस ले लेता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की भी जरूरत है। ब्याजराम विलास पासवान है, वो भी कोई क्रांतिकारी आंदोलनकारी नहीं है। लालू यादव हैं, नीतीश जी हैं, अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भी दुश्मन है। इनको संतुष्ट कर दिया है कि देखो एक गुलाम समाज में तू ही एक सहानसा है। अगर मैं 4,450 सीट जीतता हूं, तुम्हें 10 सीट जिता करके सहानसा बनाए रखूंगा उस समाज का, लेकिन जिस दिन ईवीएम हट जाएगी तुम्हारी सहानसा ही नहीं। इसलिए मैं भानु प्रताप जी से कहने आया हुआ है कि जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम लोग इकट्ठा करें। जो सत्ता का सुख भोग चुका है, मनुवादी ताकत उनको घोटाला करने का पूरी छूट दे रखा था। ये बहुजन समाज के लोग हैं, इनको चंगुल में फंसा कर रखो। और आज हमारे गौतम साहब ने बोला कि अमित शाह के पास सारे लोगों का बायोडाटा है, वो सबको पकड़ लेगा, इसलिए कुछ बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भानु प्रताप जी जैसे, हमारे जैसे लोग, रतन लाल जी जैसे लोग इस बात से नहीं डरते हैं, क्योंकि इन्होंने घोटाला नहीं किया। एक कानून के दायरे में रह के बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जो बाबा साहब को मानेगा वो भारत की संविधान को मानेगा, उस संविधानिक प्रावधान को उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए इनको डर नहीं है। तो साथियों, मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के पहले आपके आंदोलन कैसे विफल किया जाता है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दुश्मन बहुत शातिर है। हमारे ललिता यादव हैं, इनकी वोट काउंटिंग हॉल में 29,000 वोट चोरी हुई। मीसा भारती का हस्बैंड काउंटर काउंटिंग हॉल में टेबल पर बैठा था, इन्होंने बोला कि वोट चोरी हो रही है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता वहां अप्रोच किया कि बहुजन न्याय दल का वोट चोरी हो रहा है, सारे लोग उसको डांट के बैठा दिए। इन्होंने जाकर उसको बोला कि शैलेश जी, मेरी वोट चोरी नहीं हो रही, आपका वोट चोरी हो रही है, आप जीते हुए कैंडिडेट हो, मैं तो जमानत बचाने वाला कैंडिडेट हूं, ये वोट सरप्लस हो रही है बीजेपी में और तुम हारोगे। और लास्ट में हार गया। मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया, जादुओं की बस्ती में गया। मैं बोला मेरे भाई, राजद 0 पर आउट होने जा रही है, तुम लोग इस बात को समझो। अति पिछड़ा जो 64% लोग हैं, इसको बीजेपी जगह जगह जाकर भड़का रही है। प्रेम कुमार जी के यहाँ अति पिछड़े समाज के समाज तमाम छोटे बड़े नेताओं का हुआ, वहां ट्रेंड किया गया कि एंटी जादो माहौल बनाओ। आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, बैकवर्ड समाज को तैयार करेगा वो आरएसएस के लोग, कह रहे ये तो अम्बेडकर के मानने वाले हैं, दलित समाज के लोग हैं, ये ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उसकी काट भी हमें तैयार करना पड़ेगा, उसकी काट भी हमें तैयार करना पड़ेगा, तभी हमारी आंदोलन जन आंदोलन हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। रही कोर कमेटी बनाने की बात, मैं सहमत हूं। रही राष्ट्रपति जी का ज्ञापन देने की बात, भानु प्रताप जी बोले जानते हैं कि राष्ट्रपति कुछ नहीं करेंगे। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब माननीय के आर नारायण साहब राष्ट्रपति थे, उनकी जमीन जब जाएगा वो भी कठपुतला राष्ट्रपति थे, लेकिन जब जमीन जाएगा तो सारे लोग जानता है कि देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने औकात बता दिया अटल बिहारी वाजपेयी को। हो सकता है को भी ये एहसास हो जाए कि हमारा समाज जाग चुका है और हम सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, तो भी एक्शन में आते, लेकिन पहले हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो साथियों, हम आंदोलन करें, जन आंदोलन ये तभी होगा, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। लंबी लंबी सत्याग्रह मार्च निकालना पड़ेगा, गांव गांव हमें जाना पड़ेगा, वोटरों को तैयार करना पड़ेगा,
बताना पड़ेगा कि ये मेरे मतदाता भाइयों बहनों, जींस बेईमानों की ताजे का चाबी डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया था, वो एक बक्से में बंद के इलेक्ट्रिक मशीन से वेल्डिंग कर दिया गया। उस बक्से को तोड़ना होगा और उसका नाम है ईवीएम। साथियों, ये करना होगा तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, हमसे ज्यादा विद्वान लोग यहाँ ज्यादा समझने वाले हैं, सब लोग समझ गए होंगे। इतने बात करके मैं जय हिंद, जय भारत, जय संघ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।